अपने लाउंज बार के लिए फेमस है. मैंने सुना है यहाँ सबर्बियंस का काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और आज उन्होंने उनका फैशन लेबल अनाउंस किया है. तो मेरी तरफ से पहले तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं. नए टैलेंट को वो लोग लॉन्च कर रहे हैं, नए लोगों को चांस दे रहे हैं. इससे देख के सुन के बहुत खुशी मिलती है क्योंकि हम भी कभी नए थे. मेरा फैशन मंत्रा यही है कि जितना कंफर्टेबल आप रह सकते हो उतना रहो, क्योंकि इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो ही आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और किसी को अनकंफर्टेबल होना अच्छा नहीं लगता. सो आई थिंक इट्स कंफर्ट इज़ माय मंत्रा. और जो भी आप पहनते हो उसी को, जो भी आपके पास कपड़े हैं या कपड़े पहन सकते हैं उसी को थोड़ा ट्वीक करके इधर उधर करके ग्रेसफुली इफ़ यू वेयर योर क्लोथ्स, आई थिंक वही फैशन कहलाता है. मैं कोई फैशन ट्रेंड को या कोई मैं कोई फैशन ट्रेंड को ऐसे फॉलो नहीं करती. अगर कुछ ऐसे अच्छा लगता है, कुछ नया आया है, तो आई विल ट्राई इट. इफ़ इट लुक्स गुड आई विल वेयर इट. इफ़ आई एम नॉट कंफर्टेबल आई कांट. मैं अनकंफर्टेबल नहीं रह सकती. नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता. मुझे लगता है हर जगह न्यू कमर्स को हाँ, हर इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत अच्छा है ना, क्योंकि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट. ये प्रकृति है कि एक प्रकृति का नियम है कि चेंज इज़ कॉन्स्टेंट. तो चेंजेस लोगों को पसंद है, लोगों को नया टैलेंट, नए लोग. जो ओल्ड है, जो पुराने हैं, जो स्टार्स हैं, जो सुपर स्टार्स हैं, वो रहते हैं, लेकिन नए नए तारे भी आते हैं. मैं ये कहना चाहूँगी कि दीपिका को मैं काफ़ी अरसों से जानती हूँ. दीपिका और मैं दोनों एक ही बहुत है मैंगलोरियंस, और जब भी हम लोग मिलते हैं हम कोंकणी में ही बात करते हैं. दोनों एक ही कास्ट के हैं और उनकी फैमिली को भी हम बहुत करीब से जानते हैं बिकॉज़ वी आर सारस्वत्स. और यही कहना फिटनेस के बारे में, यस, मैं जहाँ वर्कआउट करती हूँ हम लोग साथ में ही वर्कआउट करते हैं एट यास्मिन्स बॉडी इमेज. तो बहुत मिलना होता है सबको. हम लोग बातें ज़्यादा नहीं करते, हम लोग वर्कआउट्स करते हैं. हम लोग अब बातें करेंगे तो यास्मिन कोई टिप्स नहीं. सी एवरीबडी इज़ डूइंग देयर प्राइवेट क्लासेस देयर. वहाँ पे पिलाटेज है, वहाँ पे वेट्स वर्कआउट्स होता है, तो कोई इतना बात नहीं करता. वहाँ पे सब लोग एक घंटा हमको दिया जाता है, वो एक घंटे में वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो बातें बाहर होती है बस दीपिका के साथ, बस फैमिली के बारे में, सब प्रकाश अंकल कैसे हैं, बस इधर उधर की. सिंस आई सेड शी इज़ फ्रॉम द सेम कास्ट एंड आई नो द फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम. OTP platform, I think digitalization is what's happening. I think it's taken the country by, a storm. So, and it is the new age. मतलब यही चल रहा है digitalization. And we have to move with the trend. तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि films बंद हो जाएंगे. कभी नहीं, films हमेशा चलती रहेंगी. लेकिन हमारे जो आप वेब सीरीज़ बोले या OTP प्लेटफॉर्म्स बोले, वो चलते ही रहेंगे. क्योंकि जो इंटीरियर्स है सबसे, जो 3-tier, 4-tier जो सिटीज़ हैं, 5-tier जहाँ पे शायद थिएटर्स नहीं पहुँच सकते, वहाँ पे भी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, वहाँ भी इंटरनेट मौजूद है. और ये लोग अपने टाइम के हिसाब से, अपने वक्त, मतलब आराम से जब भी वो चाहे बैठ के फिल्म या जो भी है देख सकते हैं. सो आई थिंक फिक्सर एक थ्रिलर है और एक कॉप स्टोरी है जिसमें मैं कॉप प्ले कर रही हूँ. और क्या कूल है हम के बाद ये मेरा बालाजी के साथ सेकंड थर्ड एसोसिएशन. एक्चुअली फर्स्ट वाज कृष्णा कॉटेज, देन क्या कूल है, और ये थर्ड, लेकिन सेकंड ऐसा सब्जेक्ट जहाँ पे मैं कॉप प्ले कर रही हूँ. तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि जो मेरा पहला जो क्या कूल है हम था, लोग आज तक, लोगों को याद है मेरा कैरेक्टर, आज तक पसंद करते हैं, लोगों को आज तक याद है. और मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है कि लोगों को याद है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हाँ,
यहाँ पर सेंटर सामने है। ईशा मैम लुक या इसकी आवाज है यहाँ पे यू आर इन द सेंटर यार। Like, share, and subscribe to TV Next Bollywood.